नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय क्रिएशंस। हम यहाँ पे डबल कटोरी ब्लाउज़ का 34 का साइज़ यहाँ पे हम आपको कटिंग करने जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ मेरा ये वीडियो पूरा देखें, और अगर आपको कोई भी बात हो, कोई भी क्वेश्चन आपका हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल बटन दबाइए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पे हम 34 का हमें ब्लाउज़ चाहिए, कटोरी डबल कटोरी ब्लाउज़ चाहिए। तो हम 2 इंच मार्जिन लेंगे, यानी कि 38। तो 38 का आधा हम लेंगे, 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। हमने एक कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम इसे लंबाई चाहिए हमें 15 इंच की। हमारा स्टिचिंग में जाएगा तो हमारा 2 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा तो हमारा तैयार ब्लाउज 13 इंच की लंबाई होगी। यहाँ पे हम सबसे पहले पीछे का पल्ला काट रहे हैं, तो यहाँ पे हम पहले 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। आर्महोल के लिए हम लेंगे 6 इंच पे मार्किंग। राउंड कर लेंगे थोड़ा सा। गला हम लेंगे, गले के लिए लेंगे 2 इंच। गला आपको पीछे का जितना डीप रखना हो, 9, 10, 11, हमने यहाँ पे 10 पे मार्किंग किया है। कमर की फिटिंग हमें चाहिए 32 पर। 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे 34, और 34 का आधा हमने 8.5 पे मार्किंग किया है। हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हम पीछे का पीठ की तरफ का निकाल के पहले अलग कर लेंगे। ये हमारी फिटिंग में जाएगा कपड़ा। जब हम फिटिंग करेंगे सिलाई के वक्त, तो इसका साइज मेंटेन हो जाएगा। ये हमारा हो गया पीछे का भाग। अब हम आगे का कटोरी बनाएंगे यहाँ पे 34 साइज का। हम एज यूजुअल जो कंधा हमने पीछे लिया था 6 इंच का, हम 6 इंच का कंधा लेंगे। आर्महोल के लिए 6 इंच पे हमने मार्किंग किया था। फिर हम गले का मार्किंग 2 इंच पे करेंगे। आगे का डीप 6 इंच 5 इंच पे रखिएगा, नॉर्मल साइज है 5 इंच। हेल्दी लोगों के लिए मैक्सिमम 6, 6.5 तक जाता है। ये हम 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। फिर 4 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और ऐसे 3.5 इंच का बीच में गैप रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन नहीं है, ये राउंड करिए। ये हमारी बगल की पट्टी हो जाएगी। पहले हम इसका कटिंग कर लेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। ये हमारी बगल की पट्टी हो गई। अब हम कटोरी के लिए ड्रॉ करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है, इसलिए हमारा दोनों भाग एक ही साथ कटेगा, दोनों बगल का। उसके लिए हम जैसे स्क्वायर में एक रेक्टेंगल शेप में ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे पहले हम एक सीधी लाइन बनाएंगे 6 इंच पे, जिसकी मार्किंग करेंगे। सॉरी 6.5 पे, 6.5 पे हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। फिर 5 इंच पे हम एक स्ट्रेट लाइन उसको ज्वाइन कर देंगे। हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप बना लिया है। उसके बाद हम करेंगे 2.5 इंच पे मार्किंग, और वहाँ से करेंगे 2 इंच पे मार्किंग।
उसे हम राउंड करके ऐसे जोड़ लेंगे। अब हमारे बचे भाग में से हम तीन इंच पे मार्किंग करेंगे और ऐसे कटोरी अपना ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी कटोरी हो गई। अब हम कटोरी के नीचे जोड़ने के लिए एक पट्टी काटेंगे। जिसकी मार्किंग हम 6.5 इंच पे करेंगे। एक तरफ हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। और एक तरफ की मार्किंग हमारी 2.5 इंच पे होगी। बीच का गैप 3.5 इंच का होगा। फिर हम इसे राउंड करके ज्वाइंट कर लेंगे। ये पटनी हमारी दोनों कटोरी के नीचे ज्वाइंट होगी। हाँ, ये हमारा डबल कटोरी ब्लाउज है। ये हमारी डबल पट्टी हमने काट ली है। हमारे डबल कटोरी ब्लाउज में हम नीचे पट्टी जोड़ते हैं। सिंगल कटोरी ब्लाउज में हम पट्टी नहीं जोड़ते हैं। अब हम यहाँ पे योक के लिए पट्टी काटेंगे जो कटोरी के नीचे जॉइंट होगी। जैसे हमने चौड़ाई ली है, अपना चेस्ट है हमारा, हमने मेजर करके 10 इंच पे मार्किंग किया था, वैसे ही सेम साइज 10 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। फिर हम एक तरफ उसकी चौड़ाई रखेंगे 3 इंच पर और एक तरफ रखेंगे 4 इंच पर। इसे हम ऐसे थोड़ा सा एक तिरछी लाइन पे ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारे ब्लाउज के फ्रंट पीस में जोड़ा जाएगा दोनों तरफ। ये हमारी डबल कटोरी ब्लाउज कट के तैयार हो गई। अब आप देखिए किसको कहाँ रिप्लेस करना है। ये हमारा पीछे का, ये हमारा कंधा पट्टी। यहाँ पे हम अपनी कटोरी जोड़ेंगे। फिर जो एक दूसरी पट्टी हम यहाँ कटोरी के ऊपर ज्वाइन करेंगे तो हमारा ये डबल कटोरी हो जाएगा। और सबसे लास्ट वाली पट्टी हम यहाँ ज्वाइन करेंगे। इसका स्टिचिंग पार्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है अपने चैनल में, तो प्लीज़ अगर आपको सिलाई के लिए देखना है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न हो आपका तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।